टाइगर, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे टाइगर हमें देखने को मिल जाए। फ़ोटो तो बना हुआ है, फ़ोटो और वीडियो में तो हम देखते ही रहते हैं, बट मैं सामने से पहली बार लाइफ में देखना चाहता हूँ और देखने को मिल जाए। दिल्ली है बिल्कुल सेम। साइज देख रहे हो आप कितना बड़ा है, शायद वीडियो में इतना बड़ा ना लग रहा हो लेकिन यकीन मानिए बहुत बड़ा साइज है। ये देखिए, मतलब पूरे, ओहो भाई देख रहे हो आप, वो मुड़ गया, उनसे नाराज़ है भाई, उनकी तरफ नहीं जा रहा, बहुत बड़ा है। और जबकि इसका फुल एक्चुअल साइज नहीं है, ये छोटा है साइज में तब इतना बड़ा है। देख देख डरते नहीं, ओहो इतना क्लोजली देखो भाई, ये जाल है इस वजह से मैं जो है इतने करीब से देख रहा हूँ, वरना ये दूर से भी दिख जाएगा ना तो भी कोई यहाँ आसपास नहीं दिखेगा। देखो पिंजड़े के अंदर ये है, लेकिन इसने ऐसा समझ रखा है कि हम लोग करतब कर रहे हैं और ये टहल के एंजॉय कर रहा है। ये देखो देखो यहाँ पे इसके कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, लंबाई लिखी हुई है 270 से लेके 310 सेंटीमीटर तक होती है, तो 310 सेंटीमीटर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हो गई। मैं जो हूँ 172 सेंटीमीटर हूँ, तब मेरी हाइट जो है 5 फीट 10 इंच है, और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इसके 310 है, मतलब दुगनी हाइट जो है, ऊंचाई देख रहे हो 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर मतलब मेरे सीने के बराबर लगभग इसकी। देख रहे हो कौन कौन प्रतीक्षा कर रहा है हमारी। जू में ऊपर आने से आपको दो फायदे हो जाएंगे कि आप पूरे नैनीताल का व्यू ले सकते हैं यहाँ से, देख रहे हैं बहुत सारा फॉग है पीछे, लग रहा है बादल वहीं से बन रहा है। ये भी केव है, और यहाँ पर भी ये वाली केव, यहाँ पर भी टाइगर है बट पता नहीं कहीं गया होगा घूमने। यहाँ लिखा है बियर आगे मिलेंगे, वीडियो में तो दिख भी नहीं रहा बिल्कुल। ये देखिए ये है बियर लेटा हुआ है, लेकिन रेलिंग देख रहे हैं आप काफ़ी नीचे है। ये देखिए छोटा कहते हो, एक वो है, एक ये है, एक ये, तीन है इधर, और ऊपर होंगे जंगल वंगल में, एक वो बैठा हुआ है। ये देखिए भरल जीवन स्थल, वहाँ स्थल क्या है, हिमालय क्षेत्र से है ये, 4 से 11 साल तक ये रहते हैं। भरल है ये ब्लू शीप भरल। ये देखिए क्या है, ये काकड़। इधर साइड जब आप जाएंगे तो आपको सामने मंदिर मिलेगा, आप यहाँ आकर दर्शन भी कर सकते हैं। कृपया जूते चप्पल उतारें, सभी को पता होता है, कुछ लोग अगर भूल जाएं तो आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए पहले यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, तो यहीं उतार दें जो भी है, उसके बाद यहाँ प्रवेश करें। ऊपर तो कुछ शायद घूमने का होगा नहीं क्योंकि कार्यालय है, तो ऊपर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं यहीं से जो आप देख सकते हैं, तो आगे कार्यालय कुछ देखने के लिए होगा भी नहीं, तो जो है देखने के लिए जल्दी जल्दी वो कवर करते हैं, तो एंजॉय कीजिए पूरा। ये देखिए बारहसिंगा बैठा हुआ है, बारहसिंगा क्यों कहते हैं, तो ये कॉर्न्स के जो निकले हुए हैं ना, ये देखिए ये सब गिन के काउंट करते हैं तो 12 होते हैं, लेकिन इसके एग्जैक्ट 12 अभी नहीं है शायद। और एक देखिए एक वो है बैठा हुआ, वो आपको दिख नहीं रहा होगा, बाद में दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ देखिए दो वो हैं, तो यहाँ नर और मादा वाला है हिसाब है, तो यहाँ पे नर भी है और मादा भी है, ये चल रहे हैं, इनको घास खाना ही ज़्यादा पसंद होता है। ये देखिए कितना बड़ा है, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, एक छोटे ऊँट के बराबर साइज़ है इनका, बस ऊँट की गर्दन लंबी होती है ऊँचाई पैरों की, लेकिन ये बहुत बड़ा साइज़ है, सांभर बोलते हैं इसको। ये है बारहसिंगा बैठा हुआ, लव वाइल्ड लाइफ, जाहिर सी बात है ये जो लाइफ है ना वो बेहद ही खूबसूरत है। हिरन, इनका साइज देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा साइज है ये, इसका नाम है मारखोर।
ये देखिए बैठा है और ये मांस खा रहा है, शायद आपको नहीं दिखे लेकिन मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ उस पर फोकस देने के लिए। ये देखिए मांस खा रहा है। ये देखिए जंगली बाज, आपने वैसे तो ये बाज अक्सर देख ही लेते हो आप, लेकिन जंगली देखने का अलग ही है। एक वो बैठा हुआ है, ये देखिए सबका छोटा छोटा एक पोर्शन बना दिया, इनकी लाइफ सीमित कर दी है। खुले आसमान में उड़ने वाली पंछी, शायद उड़ना भी भूल गए होंगे ये। ये देखिए मोर की अलग अलग प्रजाति हैं। ये देखिए वाइट मोर अपनी लाइफ में एक बार रियल में देखते हुए। ये तो बहुत देखे हैं। आपको एक फन फैक्ट बताऊं, जिसकी ये पूंछ होती है ना वो नर होता है और जिसकी पूंछ नहीं होती है वो मादा। ये देखिए कितनी सारी प्रजातियां हैं यहाँ पे पैरट्स की। ऋतिक रोशन की फिल्म में देखा होगा आपने इस पैरट को, देख रहे हैं ये पैरट को, ये कॉकटेल नाम है इसका और ये आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा। ऋतिक रोशन की फिल्म है मैं प्रेम की दीवानी हूँ, उसमें देखा होगा आपने। ये भी एक तरह की पैरट की प्रजाति है, देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत लग रहे हैं। और नॉर्मल पैरट जो हम देखते हैं, ये नॉर्मल पैरट तो हमने अक्सर देखे ही होंगे अपने घरों की छतों पर बैठे हुए। ये देखिए यहाँ पर दो उल्लू बैठे हुए हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। वो देखिए ये है हिमालयन भेड़िया, कितने शांति से बैठे हुए हैं ये, लेकिन इतने शांत ये होते नहीं हैं। आप लोग तो अच्छे से जानते ही होंगे भेड़िया को, जिस तरह से भेड़ होती हैं उनके बाल होते हैं एग्जैक्टली ऐसे ही बाल हैं इनके, तभी शायद इनका नाम भेड़िया पड़ा होगा, क्योंकि ये खूंखार हैं और वो भेड़े खूंखार नहीं होती हैं, ये मांस खाते हैं। ये काफ़ी हद तक बड़ा है जो इससे पहले दिखाया था उससे। एक वो जा रहा है पीछे, दो वो हैं, एक ये है। ये देखिए लियोपर्ड, ये साइज़ में ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं लेकिन खूंखार वैसे ही होते हैं साइज़ के हिसाब से। आप पंजों पे नज़र मारिए, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए साइज़ के हिसाब से पंजे देख रहे हैं। आओ चल रहे घूमने, अरे नाराज लग रहा है, आओ सवारी करेंगे। ये देखो ये देख रहे हो, ये आप एक बड़े डॉग के साइज में मान लीजिए, फिर भी आप सोच रहे हैं ये इतने ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं, ठीक है ये छोटे हैं 142 सेंटीमीटर, बहुत हो गया 142 सेंटीमीटर, लगभग 5 फीट इनकी लंबाई हो सकती है, ठीक है। और इनका वज़न वगैरह सभी कुछ लिखा हुआ है लियोपार्ड का। अब यहाँ रास्ते पे जाकर हॉस्पिटल बना हुआ है, किसके लिए? जानवरों के लिए। और एक किचन है वो भी जानवरों के लिए, कि उनका खाना वगैरह यहीं स्टोर होता है, मतलब टाइगर को तो आपको मांस देना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, तो सभी कुछ यहाँ पे अच्छे से फैसिलिटी मेंटेन करके रखी हुई है। साफ़ सफाई के लिए मैं यहाँ पे 10 में से 9.8 मार्क्स दूंगा, 0.2 मैंने इसलिए कट कर लिए हैं, बाकी चीज़ें थोड़ी सी ऐसे ही हैं मगर मैं उन पे हाईलाइट नहीं करना चाहूँगा। काफ़ी बेहतर है यहाँ का सभी कुछ, नज़ारे तो बेहद ही खूबसूरत हैं, खूबसूरती बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। तो फाइनली हमारा नैनीताल का सफ़र ख़त्म हो रहा है और हम वापस जा रहे हैं। जब हम एंट्री की थी तो मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी क्योंकि सर में दर्द हो रहा था, तब मैंने ये पोर्शन कवर नहीं किया था, लेकिन अब मैं आपको ये कवर अप करके दिखा रहा हूँ। तो हम नैनीताल से वापस घर जा रहे हैं, ये देखो खूबसूरती है, काफ़ी बेहतर बना दिया है यहाँ पे, आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, कोई चार्ज वगैरह नहीं है फ़िलहाल तो यहाँ का, और ऐसा कुछ है भी नहीं जिसका कोई चार्ज हो, बस ऐसे ही घूमने के लिए है, आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए नीचे रोड देख रहे हैं, अभी हम यहाँ से होकर जाएंगे तो ये यही वाले रोड पर आएंगे। अब आपको वो सामने जितना भी दिख रहा है ना, ये सब बादल से छा गया है, लगता है बारिश हो सकती है, और फॉग तो बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी नमी है, रात मौसम में जो है ठंडक थी तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा मौसम चेंज हो रहा है। तो ये देख रहे हैं आप लोकेशन,